आज हम बनाएंगे हरी मिर्च के पकोड़े। हमने ये जो मिर्च काट ली है और इसको जो है उसके ऊपर हमने नमक डालकर रख दिया है 5 मिनट के लिए। और ये बेसन हमने तैयार कर लिया है, इसमें हमने नमक, मिर्च, धनिया डाला है और हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें हमने अजवाइन भी डाली है। इसमें हमने चुटकी भर खाने वाला सोडा डाला है। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम मिर्च के पकौड़ों को तलना स्टार्ट कर रहे हैं। हम मिर्च को बेसन में अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम इसे तेल में डालेंगे इस तरीके से। इनको हम सुनहरी होने तक पकाएंगे पकौड़ों को। 5 मिनट पकाने के बाद जो है पक्कर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे इन्हें जो है प्लेट पर करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े पककर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम जो है हरी चटनी के साथ खाएंगे।